जय शाह, क्रिकेट की दुनिया में एक जाना माना नाम है। छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले जय शाह अब बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। मतलब बीसीसीआई के सचिव का पद कम था क्या, जो अब आईसीसी के चेयरमैन बनकर, वो भी निर्विरोध बनकर, जय शाह ने अपने विरोधियों को और जला भुना दिया है। अपनी आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको जय शाह की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर कतई नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ, जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरों के घरों पर कैसे पत्थर उछाल रही हैं, ये जरूर बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास शो अधूरा सच एक्सपोज। आज एक्सपोज करूंगी राहुल गांधी को, जो नेता खुद परिवारवाद की वजह से राजनीतिक गलियारों में टहलता हो, जो अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और पूरी कांग्रेस के वर्चस्व से अपने करियर में आगे बढ़ा हो और 20 साल राजनीति में अपनी पूरी जान झोंकने के बावजूद 99 सीटें लाकर जश्न मना रहा हो, वो बात करता है कि अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इसलिए उन्हें आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया। वाह राहुल जी वाह, इससे ज्यादा की उम्मीद ना आपसे कभी की गई है और ना ही की जा सकती। मैं तो कहती हूं उठाइए सवाल जय शाह पर, अमित शाह पर, पूरी बीजेपी पर उठाइए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक कर देख लेते। ये तो वही वाली बात हो गई, कभी मीडिया में तो कभी मिस इंडिया में दलित ओबीसी आदिवासी ढूंढते रहे, लेकिन खुद राहुल का जो स्वागत करने के लिए नेता आए हुए थे उनमें सारे सवर्ण थे। शाह को आईसीसी का चेयरमैन क्या बनाया गया, राहुल गांधी को बहुत बुरा लग गया। कहने लगे अमित शाह के बेटे जय शाह ने कोई क्रिकेट का बल्ला नहीं उठाया और वो क्रिकेट के इंचार्ज बने हुए हैं, 6-7 लोग मिलकर देश चला रहे हैं और इन्हें लगता है कि देश की जनता या कश्मीर की जनता चुप रहेगी। अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ आपका इतिहास, जिसमें बहुत से लोगों को राजनीति का रह नहीं पता था और बैठे हैं सांसद और विधायक बनकर। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी से ही कर लेते हैं, जिन्हें वायनाड से चुनाव लड़ाने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर लिया गया है। प्रियंका गांधी, या कहिए प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस से ना जुड़ी हो तो उन्होंने देश के लिए क्या किया है? गांधी परिवार का तमगा ना हो तो वायनाड जिता देगा उन्हें, बताइए। एक भी चुनाव ना लड़ने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की बड़ी नेता मानी जाती है, क्यों? उनकी तुलना इंदिरा गांधी तक से कर दी जाती है, क्यों? गांधी परिवार से इतर प्रियंका गांधी को कोई जानता है, मानता है, उन्हें वायनाड जैसा भरोसा दे सकता है? प्रियंका क्या राहुल गांधी का ही चिट्ठा उठाकर देख लीजिए, पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। ये इतिहास ना होता तो राहुल गांधी को सांसद की कुर्सी पर कोई बिठाता क्या? देश हित में राहुल का क्या योगदान है, मुझे कोई बता दे। ये तो वो लोग रहे हैं जो पद पर रहे या ना रहे, सत्ता इन्हीं के हिसाब से चली। सोनिया गांधी का योगदान बता दीजिए कोई देश हित में। ट्रोल करने वाली बात से इतर जरा सोचिए, वो महिला जो दूसरे देश से आई है, वो गांधी परिवार की बहू ना बनती तो क्या उन्हें लोग एक्सेप्ट करते? परिवारवाद के नाम पर बीजेपी को ट्रोल करने वाली कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी, अपना इतिहास देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर उछालते हुए अच्छे नहीं लगते। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनमें से कई तो अब पार्टी भी छोड़ चुके हैं, वो ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि गांधी परिवार का वर्चस्व ऐसा है कि उनसे मिलना तक कई बार मुश्किल हो जाता है। हिमंता बिस्वा सरमा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, एक वक्त था जब कांग्रेस के नेता थे, वो ये तक कह चुके हैं कि जब वो राहुल से मिलने गए थे, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी, उस वक्त राहुल कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। बताइए, राहुल और उनके अहंकारी होने के सबूत को बहुत से नेता दे चुके हैं। गुलाम नबी आजाद को आपने सुना होगा, अब डायरेक्टली तो कोई कहेगा नहीं कि राहुल गांधी घमंडी है, इसी तरीके से किससे सुनाए जाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख लीजिए। ये जो बयानबाजी होती है ये हर किसी को ध्यान रहती है, और उसके बाद फिर कांग्रेस के नेताओं की वो बयानबाजी जिसमें वो उन नेताओं को कहते हैं जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, उनको रोकने के बजाय कहते हैं कि जो जाना चाहता है वो जाए। मतलब आपके दर से कोई बहुत पुराना साथी आपको छोड़कर जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो धीरे धीरे ही सही पार्टी का पतन हो रहा था, वो तो 99 सीटें आ गई तो आप संभल गए, नहीं तो पार्टी पतन की ओर थी, और ये बात खुद कांग्रेस भी मानने लगी थी।
दिखाएंगे ही तो नहीं, मानने तो लगे थे। और जब परिवारवाद की बात हो ही रही है तो अमित शाह के बेटे ही क्यों, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू की बेटी रानी बरौसी, कांतिलाल भूरिया के बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाई आलोक चतुर्वेदी, सुभाष यादव के छोटे बेटे डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया, सबको मौका मिला है चुनावों में, जो ये बताता है कि कांग्रेस का भाई भतीजावाद सुपर एक्टिव रहा है। और हाँ, जिन लोगों को जय शाह के बारे में जानना है वो भी जान लीजिए कि 35 साल के जय शाह ने बिल्कुल एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह हमेशा क्रिकेट को आगे बढ़ाया है। 2009 से वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, संघ बोर्ड या परिषद पर वो रही हैं। 20 साल में क्रिकेट की दुनिया में आने वाले जय शाह लगातार इस दिशा में काम कर रही है। साल 2019 में वो सबसे कम उम्र में बीसीसीआई सचिव बने। उसी वक्त आईसीसी की भावी मुख्य कार्यकारी समिति बैठकों के लिए बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर उनको चुना गया। फिर एसीसी के अध्यक्ष बने। शाह के पिछले 5 साल के कार्यकाल में काफी सवाल उन पर उठे। ये जो 5 साल बीते हैं काफी चुनौतीपूर्ण तरीके से गुजरे हैं, उन पर कई बार सवाल उठे, लेकिन फिर भी इन सबसे इतर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो खैर, फिलहाल एक बार जाते जाते यही कहूंगी कि राहुल गांधी अगर खुद पाक साफ हो, उनकी छवि पर कोई दाग ना हो, वो परिवारवाद से अछूते हो, तो बिल्कुल सवाल उठाइए, नहीं तो भाई साहब देश हित के लिए बहुत मुद्दे हैं, उन पर फोकस करें। आज के एपिसोड में एक्सपोज हुए हैं राहुल गांधी, अगले एपिसोड में किसको एक्सपोज करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।